हे भाई लोग, कैसे हो आप सभी। मैं हूं रुपेश एंड आप देख रहे हो तेज गेमिंग यूट्यूब गेमिंग चैनल। गाइस, आज के इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एंड गाइस, आज के इस वीडियो में बात करेंगे वैसे जगह जहां पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा रॉकेट टोकन देखने को मिलने वाले हैं, चाहे वो परगटरी मैप हो या बरमूडा मैप हो। बेस्ट दो मैप के बारे में बात करने वाले हैं, क्योंकि बेस्ट ये दो मैप होते हैं जहाँ पे आप लोग ज़्यादा खेलना पसंद करते हो। तो परगटरी के साथ साथ बरमूडा के बारे में बताएंगे जहाँ पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा टोकन देखने को मिलने वाले हैं। साथ में स्कल रॉकर का बंडल आपको कहाँ देखने को मिलने वाला है, यहाँ पे रॉकी पैट जो यार टॉप ऑफ इवेंट के बारे में बात करेंगे, जहां पे आपको ग्लोबल का स्किन भी देखने को मिलने वाला है। तो सब बात करने वाले हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे इवेंट है जिनको कवर करने वाले हैं, जैसे कि नेक्स्ट डायमंड रोल में क्या बंडल देखने को मिलने वाला है और भी बहुत सारी चीजें हैं। तो यार वीडियो में लास्ट तक बने रहना, चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लेना ताकि नोटिफिकेशन हमारे वीडियो का हर पल आपके पास जाता रहे। तो यार शुरू करते हैं पहले इवेंट से। तो यहाँ पे बात करें तो लूडो इवेंट में बहुत सारे ग्लिचेस चल रहे हैं अभी, जैसे कि इवेंट एंडर दिखा रहा है, कभी कभी एरर आ रहा है, तो ऐसे ऐसे प्रॉब्लम आ रहा है, कभी कभी गोटी गायब हो जा रहा है, तो कुछ ऐसा ऐसा सीन यहाँ पे हो रहा है। बट यार आपको बता दें कि ये प्रॉब्लम ज़्यादा दिन तक नहीं चलने वाली, ये पूरा का पूरा इवेंट रहने वाला है 15 नवंबर तक, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं पड़ने वाली। रॉकेट टोकन के बारे में बात करेंगे। बहुत सारे बंदे कमेंट कर रहे हैं कि रॉकेट टोकन क्या है यार, कहाँ क्यों नहीं मिल रहा है हमें, और कितना भी मैप में हम दौड़ रहे हैं लेकिन हमें मिल नहीं रहा है। तो यार बताएंगे क्लियर आपको, बस देखना है, आराम से देखना है। तो यहाँ पे देख लूँ मैंने यहाँ पे रॉकेट टोकन का यूज करके और यहाँ पे रोल करके मैंने बंडल भी यहाँ पे ले लिया है, तो आसानी से आप लोग भी ले सकते हो, इसमें कोई भी घबराने वाली बात नहीं है। और पूरा का पूरा 15 नवंबर तक चलने वाला अभी शुरुआत है, इसलिए आपको टोकन देखने में भी प्रॉब्लम हो रहा है। और भाई जब जब इवेंट चलता है, जब भी फ्री का इवेंट चलता है कोई भी, तो उस पर बहुत ज़्यादा क्लिक होते हैं, क्योंकि यार फ्री का आइटम आपको मिलता है तो उसमें यार सभी के समय बंदे क्लिक करते हैं। तो आपको यार घबराने वाली जरूरत नहीं है, आपको बस थोड़ा सा वेट करना है। और आपको यहाँ पे और भी बहुत सारे इवेंट है जो कि यार बताने वाले हैं, तो जैसे मुझे मिल गया है आपको ये भी यहाँ पे नॉर्मल मिल जाएगा। अब यहाँ पे बात करते हैं लेवल 4 एंड लेवल 8 का कार्ड आप कैसे ले पाओगे। बहुत सारे बंदे चक्री टोकन तो बहुत सारे इकट्ठे कर चुके हैं, लेकिन बात करें एक्सचेंज नहीं हो रहा था, तो फाइनली यहाँ पे हो गया है। दिवाली जो यहाँ पे प्रिपरेशन इवेंट था उसमें आपको लेवल 4 एंड लेवल 8 का कार्ड मिल रहा था, ये ओपन हो गया, एक्सचेंज यहाँ पे हो रहा है। तो देख लो मेरा हो गया है, यहाँ पे मेरे पास टोकन भी पूरा का पूरा है और साथ में एक्सचेंज का ऑप्शन भी यहाँ पे ओपन हो गया है। तो यहाँ पे लेवल 8 का लेवल 4 का यहाँ पे कार्ड जो है एक्सचेंज करते हैं। इस कार्ड से आपको बहुत ज़्यादा फायदा होता है, जब भी कोई न्यू कैरेक्टर लेते हो तो उसको अपग्रेड करने में ये आपकी सहायता करता है, लेवल बढ़ाने में आपकी सहायता करता है। तो काफ़ी अच्छी ये चीज़ है आपको, और फ्री मिल रहा है तो ये काफ़ी अच्छी बात है। तो यहाँ पे इसको हम क्लेम कर लेते हैं। और इस इवेंट के रिगार्डिंग एक चीज आपको बताना चाहेंगे, ये जो यहाँ पे आपको लेवल 8 एंड लेवल 4 का कार्ड जो मिल रहा है, ये काफी ज्यादा डायमंड खर्च करने पे मिलता है। अगर आप लोग परचेज करते हो स्टोर से तो आपको लगभग 5000 के आसपास में लेवल 8 का कार्ड मिल जाता है 5000 डायमंड खर्च करने पे। तो यार आपको ये इजी यहाँ पे फ्री मिल रहा है। और यार यहाँ पे बता दें कि ये आज और कल भर रहने वाला है, एक्सचेंज करने का ऑप्शन रहेगा आज और कल। तो यार आप लोग यहाँ पे ये गलती मत करना, आपको यार आना है आज ही के दिन एक्सचेंज कर लेना है। अगर चक्री टोकन इकट्ठे नहीं करे हो तो चक्री टोकन इकट्ठे करो। चक्री टोकन कैसे मिलेंगे ये भी आपको बस गेम खेलने पे गेम खेलना है, और ज़्यादा से ज़्यादा जैसे जो भी मैप होते हैं, बरमुडा हो गया या चाहे परगेटरी हो गया, कोई भी मैप खेलो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा आप टोकन इकट्ठा कर सकते हो आराम से। और आओ एक्सचेंज कर लो, आज और कल के दिन रहने वाला है, तो यार आप लोग गलती मत करना और जो ये फ्री का मिल रहा है फ्री का आइटम ले लेना। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं, आज के दिन चल रहा है थीम गन बॉक्स पे यहाँ पे डिस्काउंट, यानी कि 60% का डिस्काउंट। तो अगर आप लोग कोई भी थीम गन बॉक्स लेना चाहते हो तो ले सकते हो, तो काफ़ी अच्छी अच्छी यहाँ पे गन बॉक्स आपको देखने को मिल जा रही है मात्र यहाँ पे 10 डायमंड का खर्च करने पे। तो यार परचेज कर सकते हो और गन से यहाँ से निकाल सकते हो, यूज कर सकते हो अपने गेम वगैरह के इंप्रूव करने में, तो काफ़ी सही बात है। अगर नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ की लेवल 4 का कार्ड हमें आगे देखने को मिलेगा कि नहीं, लेवल 8 का कार्ड आगे देखने को मिलेगा कि नहीं अगर अभी एक्सचेंज नहीं करते हैं तो आपको बता दें कि आगे आपको शायद ही देखने को मिलेगा। यहाँ पे जो इवेंट पीरियड है बताया गया है कि 8 यानी कि 8 नवंबर तक रहने वाला है, और डेट जो आज के दिन बताया गया कि आज के दिन यहाँ पे एक्सचेंज होने का ऑप्शन आएगा, और फाइनली यहाँ पे ऑप्शन आपको दे भी दिया गया है, तो ये काफी सही बात है, आप एक्सचेंज कर लो आज के दिन। और यार इसके पहले आपने काफी चक्री टोकन इकट्ठा कर लिया होगा तो जाके यार कर लो, प्रिपरेशन जो दिवाली प्रिपरेशन इवेंट है उसमें आपको देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे स्कल रॉकर का बंडल आपको कैसे देखने को मिलने वाला है। तो यार ऐसा कुछ इवेंट आने वाला है जिसमें आपको यहाँ पे बॉक्स ओपन करना होता है और यहाँ पे 5 यहाँ पे ग्रैंड प्राइज के रूप में 5 यहाँ पे चीजें देखने को मिल जाती है, जैसे यहाँ पे देख सकते हो इमोट्स और साथ में यहाँ पे बियर वाला बंडल, और साथ में बात करें तो यहाँ पे फीमेल कैरेक्टर का बंडल देखने को मिल जा रहा है। तो ये काफी सही से यहाँ पे बंडल्स है। और बात करें तो इसमें 500 डायमंड का लोल करते हो, यानी कि 500 डायमंड यहाँ पे स्पिन करते हो तब यहाँ पे आपको ग्रैंड प्राइज मिलने का चांस ज्यादा रहता है। तो ये इवेंट हमें जल्दी ही देखने को मिलने वाला है वेब इवेंट के रूप में हमारे इंडिया सर्वर के अंदर ही। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे रॉकी पेट हमें कहाँ देखने को मिलने वाला है, तो रॉकी पेट मिलने वाला है श्योर है कि यहाँ पे टॉपअप के अंदर देखने को मिलने वाला है, ज्यादातर चांस इसका टॉपअप के अंदर ही है। और इसका पेट का स्किन
देखने को मिलने वाला है। बाहर के सर्वर में आपको ऑन डायमंड टॉप अप मिल रहा है, ये पेट का सॉरी यहाँ पे रॉकी पेट, और साथ में बात करें स्किन तो इसकी स्किन मिले 300 डायमंड टॉप अप करने पे, तो ये काफी सही बात है और इंडिया में भी ऐसे ही आते हैं। और बात करते हैं नेक्स्ट हमें कौन सा टॉप अप इवेंट देखने को मिल सकता है, तो है भाई ये ग्लोबल का स्किन आपको टॉप अप के अंदर देखने को मिल जाएगा, जो कि यार बाहर के सर्वर में मिल रहा है 100 डायमंड टॉप अप करने पे। तो भाई ये 100 डायमंड टॉप अप बस बाहर के लिए है, इंडिया में ये कम से कम यार 500 डायमंड टॉप अप करने पे ही मिलेगा आपको। तो यार ये ग्लोबल का स्किन भी काफी लेजेंडरी है और काफी ओपी लेवल लुक दे रहा है, इसको यार निकालने पर मतलब मजा ही आ जा रहा है। तो यार ये ग्लोबल का स्किन भी आपको नेक्स्ट टॉप अप इवेंट में देखने को मिल सकता है, चाहे वो 500 डायमंड टॉप अप करने पे हो या 300 डायमंड टॉप अप करने पे, बट यहाँ पे आपको ये टॉप अप पे ही मिलने वाला है ज्यादातर इसका चांस जिस तरह बन रहा है, क्योंकि यार बाहर के सर्वर में भी आपको ऐसे ही देखने को मिल जा रहा है। तो यार देख सकते हो इसका लुक काफी सही है, मुझे काफी सही लगा ये ग्लोबल का स्किन, और पेट का स्किन भी आपको टॉप अप के अंदर ही देखने को मिलेगा, तो ज्यादातर चांस है कि ये दोनों में से कोई एक नेक्स्ट हमें टॉप अप इवेंट के अंदर देखने को मिलेगा। ये हो सकता है कि भाई ये आगे पीछे हो सकते हैं, यानी कि पहले हो सकता है कि पेट का स्किन आपको टॉप अप में देखने को मिल जाए या पेट देखने को मिल जाए, या ये भी हो सकता है कि आपको ये ग्लोबल का स्किन देखने को मिल जाए टॉप अप के अंदर, लेकिन यार दोनों के दोनों टॉप अप के अंदर देखने को मिलने वाले हैं, तो आपको समझ में आ गया होगा आई होप की। और नेक्स्ट यहां पे बात करते हैं कि डायमंड रोल के अंदर आपको क्या देखने को मिलने वाला है, तो आप सभी को पता है कि मेल का अभी बंडल चल रहा है डायमंड रोल के अंदर, और इसी का एक फीमेल वर्जन आने वाला है जो कि म्यूटेंट के थीम पे बेस्ड ही है, और यार ये भी आने वाला है नेक्स्ट डायमंड रॉयल के अंदर। तो जैसे अपना ये हटता है मेल वाला डायमंड रॉयल, उसके बाद ये फीमेल वाला डायमंड रॉयल बंडल आ जाएगा, तो यार जो फीमेल कैरेक्टर यूज करते हो यार आराम से निकाल सकते हो इसी के थीम पे बेस्ड, और जो मेल कैरेक्टर यूज करते हो अभी निकालो, अभी डायमंड रॉयल के अंदर चल रहा है मेल वाला, तो फीमेल वाला भी आने वाला है अगर आप फीमेल कैरेक्टर यूज करते हो। मैं कहूंगा कि अभी वेट करना चाहिए आपको, जैसे ही ये नेक्स्ट डायमंड रॉयल आता है आप निकाल लो और ये बंडल का मजा लो, और अगर आप लोग मेल कैरेक्टर यूज करते हो तो आप भी निकालना चाहो तो निकाल सकते, क्योंकि यार नेक्स्ट डायमंड रोल के अंदर ये फीमेल का बंडल होने वाला है। आगे बात करते हैं जो कि यार है यहाँ पे टोकन से रिलेटेड, रॉकेट टोकन हमें कहाँ कहाँ मैप में कौन कौन से ऐसे प्लेसेस है जहाँ पे ज्यादातर देखने को मिलने वाली है, तो वैसे बात करें तो यहाँ पे हर मैप में हर प्लेसेस में हर जगह पे आपको देखने को टोकन मिल ही जाएंगे। यार बहुत सारे बंदों का सवाल है कि कम से कम मैच खेल के ज्यादा ज्यादा टोकन कहाँ से इकट्ठा कर पाए, तो यार बहुत सारे बंदे हैं जो कि यार क्लासिक मैच खेल रहे हैं जहाँ पे आपको बहुत कम ही टोकन देखने को मिल रहे हैं, तो आपको बता दें अगर ज्यादा ज्यादा टोकन लेना चाहते हो तो आपको स्टार्ट करना होगा रैंक मैच, जिसमें आपको कोई भी रैंडम मैच यहाँ पे रैंडम मैप देखने को मिल सकता है, चाहे वो परगेटरी हो, बरमूडा हो या कलहारी भी हो सकता है, लेकिन यार ज्यादातर बात करें तो आपको बरमूडा और यहाँ पे परगेटरी देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पे आप परगेटरी के बारे में बात करते हैं, परगेटरी में आपको ब्राजीला, बात करें तो माउथ हाउस, और साथ में यहाँ पे लंबर मील, स्काई लॉर्ज, और यहाँ पे बात करें तो सेंट्रल, ये टॉप 5 परगेटरी के अंदर ऐसे मैप हैं, ऐसे जगह हैं जहाँ पे आपको ज्यादा ज्यादा टोकन देखने को मिलने वाले हैं, और मैंने यहाँ पे एक ही गेम के अंदर यार 5 टोकन इकट्ठा कर लिया आराम से यार, बस यार यहाँ पे ब्राजीला में ही बस एक ही मैप के अंदर और एक ही जगह के अंदर 5 टोकन यहाँ पे आराम से देखने को मिल गया, और वो प्लेसेस आपको बता देते हैं, वहाँ आप अगर उतरते हो उस जगह पे जाते हो तो यहाँ पे डेफिनेटली आपको देखने को मिल जाएंगे, कम से कम एक टोकन देखने को मिल जाएगा, और यार पूरा यानी कि ब्राजीला मैप आप ढूंढते हो तो कम से कम 8 से 10 टोकन आपको देखने को मिल जाने वाले हैं, तो यार घबराने वाली बात नहीं है। सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हो इस मैप के बारे में, इस जगह के बारे में आपको पता होगा, यहाँ पे आप उतरते ही आपको देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे एक या दो आपको रॉकेट टोकन देखने को मिलने वाले हैं, तो यहाँ पे उतरो और यहाँ से एक टोकन इकट्ठा करना है। एंड भाई ब्राजीला मैप के अंदर जाते हो तो आपको पीक जैसा है घर देखने को मिल जाएगा साइड में ही, इस साइड में आप जाते हो इस घर के पास तो आपको यहाँ पे भी 4-5 टोकन देखने को मिल जाएंगे, इसके साइड साइड में घूमो, इसके अंदर घूमो, आपको 5 या 4 देखने को मिल जाएंगे टोकन, बस यहाँ से मैंने ही 4 यहाँ पे टोकन इकट्ठे किए हैं एक मैच के अंदर ही, तो यहाँ देख भी सकते हो, यहाँ पे इमेज के अंदर भी देख सकते हो, मैंने यहाँ से केवल यहाँ से 4 टोकन उठाए हैं, तो आपको बस यहाँ पे रैंक मैच खेलने हैं, ज्यादा ज्यादा रैंक मैच ज्यादा खेलते हो तो आपको ज्यादा ज्यादा टोकन मिलने वाले हैं, और ये होता है कि रैंक मैच के अंदर ज्यादा जाते हो आप खेलते हो तो मरा जाते हो जल्दी ही, क्योंकि यार बंदे अच्छे खासे आ जाते हैं, तो देख सकते हो एक मैप के अंदर एक मैच खेल के यार केवल ब्राजीला के साइड से मैंने यहाँ पे 5 टोकन उठाए हैं, तो काफी सही बात है, इस तरह आप लूट सकते हो कहीं भी जाके, चाहे वो बरमूडा हो या बरमूडा में आपको बता देते हैं ऐसे ऐसे जगह जहाँ पे जैसे कि टोकन मिलने वाले हैं, यहाँ पे बात करें तो क्लॉक टावर, और उसके बाद यहाँ पे मिल जाता है मार्स इलेक्ट्रिक, उसके अलावा केप टाउन, इस जगह पे आपको बहुत सारी टोकन यहाँ पे देखने को मिल जाती है, ग्रेवयार्ड, ऑब्जर्वेटरी, ये सभी जगह है जहाँ पे आपको ज़्यादा ज़्यादा टोकन मिलने वाली है, तो आप कोशिश करो कि रैंक मैच खेलो ज़्यादा ज़्यादा टोकन इकट्ठा करने के लिए, और घबराने वाली बात नहीं है, ग्लिचेस सब सही हो जाएंगे, सबको यार फ्री में मिलेंगे। बहुत सारे बंदे ये पूछेंगे कि भाई अगर रैंक मैच खेलते हैं तो रैंक मैच के अंदर हमारा रैंक माइनस हो जाएगा, अगर जाते हैं टोकन इकट्ठा करने के चक्कर में यार रैंक माइनस हो जाएगा, तो भाई अगर आप लोग इकट्ठा करना चाहते हो तो क्लासिक में तो आपको कम मिलेगा, लेकिन यार ग्रेवयार्ड, ऑब्जर्वेटरी ऐसी जगह है जहाँ पे आपको ज़्यादातर देखने को मिल जाएगा
बनाएंगे टोकन। तो अगर क्लासिक भी खेलो तो ज्यादातर ऑब्जर्वेटरी या ग्रैब यार्ड, इसके अलावा क्लॉक टावर, बलसाई और शिपयार्ड ऐसे जगह है जहाँ पे आपको ज्यादा ज्यादा टोकन देखने को मिलने वाले हैं। तो यार आज के दिन जाओ इकट्ठा करो दोनों टोकन, इकट्ठा करो चक्री टोकन और यहाँ पे रॉकेट टोकन दोनों इकट्ठा करो, और एक्सचेंज अभी तक नहीं किए हो तो जाके एक्सचेंज कर लो। यहाँ पे दिवाली प्रिपरेशन इवेंट में आपको लेवल 4 एंड 8 का कार्ड मिल जाएगा। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, सारा कंफ्यूजन दूर हो गया। तो भाई मैंने अपना काम यहाँ पे कर दिया, अब आपकी बारी है। आप लोग लाइक मारो, शेयर मारो, सब्सक्राइब मारो चैनल को अगर नए आए हो तो, और साथ में अपने दोस्तों में शेयर मार देना और बता देना उनको भी कि आज भर एक्सचेंज का टाइम है यार, एक्सचेंज कर लो। डिस्कॉर्ड का लिंक मिल जाएगा जहाँ पे टूर्नामेंट होने वाला है जल्दी, डिस्कॉर्ड का लिंक भी आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। और इंस्टाग्राम पे अभी तक फॉलो नहीं किया तो कर लो, टुनाइट अपडेट के लिंक्स वगैरह वहाँ मिल जाते हैं, और भी बहुत सारे लिंक्स होते हैं जहाँ पे आपको मिल जाते हैं। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टाटा, टेक केयर भाई लोग। How heavy is that? Light work and the bass on the track on my face in the back, like I'm taking a slap.